नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 1 से पाठ क्रमांक 13 बताओ कितने पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है जिसमें वस्तुओं की गिनती, छोटी बड़ी संख्या, इकाई दहाई की संख्या की जान पहचान को बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। जो भी पाठ में है वो आपने सब कुछ बच्चों को बता दिया है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, वो है गृह कार्य, होमवर्क। बच्चों को आप गृह कार्य देते हैं और बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता, उनको नीरस लगता है, बोझल लगता है। तब क्यों ना, और इससे ये होता है कि बच्चों को जब बोझल लगेगा तो बच्चे घर से करके नहीं लाएंगे, और नहीं करके लाएंगे तो बच्चा अपने आप ही विद्यालय आने से मना करेगा, विद्यालय नहीं आएगा। तो इसके लिए कि बच्चों को वो बोझल ना लगे, तो हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इस नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि नवाचार बहुत ही ज्यादा रोचक नवाचार है। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों को वस्तुओं की संख्या, छोटी बड़ी संख्या, इकाई दहाई की जान संख्या की जान पहचान की जानकारी को दोहराएंगे। पूर्व प्रबंधन में हमें कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर बताओ कितने पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। अब यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस पाठ का पुनर्अध्ययन कराना है वो पाठ आपने बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है और उस पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट का निर्माण करके उसकी व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों से कहेंगे बच्चों आपको घर जाना है, घर जाकर अपने अभिभावक के आसपास के किसी परिजन की मदद से आपके आसपास के अंकित मूल्य वाले जो भी खाली रैपर रहेंगे उनको, आपको खाली पैकेट जो रहेंगे उनको आपको इकट्ठा करके लाना है या फिर आपको एकत्रित करना है। उसके बाद उस पर जो मूल्य अंकित है उसको अलग अलग लिख कर लाना है, कहाँ, तालिका में। बच्चों को एक तालिका दी जाती है, इस तालिका में बच्चे अभिभावक की मदद से उस मूल्य के को अलग अलग लिख कर लाएंगे। जैसे कि जो तालिका है उसमें विद्यार्थी का नाम लिखा है, अंकित मूल्य लिखे हैं यहाँ पर रेफर में एक कॉलम में, यहाँ पे लिखा है दहाई की संख्या कौन सी है, अब इसमें मूल्य जो लिखा है इसमें दहाई की संख्या कौन सी है, अब इसमें इकाई की संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। इस प्रकार से बच्चे इसको अलग अलग लिख कर लाएंगे। मान लीजिए कोई नमकीन का पैकेट है या कोई बिस्किट का पैकेट, उस पर 20 रुपये लिखे हैं, तो दहाई का अंक कौन सा है 2, इकाई का अंक कौन सा है 0, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। इस प्रकार से बच्चे अलग अलग इसको लिख कर लाते हैं और इसके लिए अभिभावक की उनकी पूर्णतः मदद करते हैं। अभिभावक से कहा जाता है कि आपको बच्चों को गृह कार्य कराने में पूर्ण रूप से मदद करनी है और साथ ही बच्चों से कहना है कि इस तालिका को भर के आपको अंगन कक्षा में लेके आना है। बच्चों से कहा जाता है जब आप अंगन कक्षा में लेके आओगे तो आपको इससे संबंधित जानकारी के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही जो जानकारी आप भर के लाए हो वो दूसरे बच्चों को आप कक्षा में आके सुनाओगे, इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, साथ ही हमारे दूसरे बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो देखा जाता है कि बच्चे गृह कार्य नवाचार की मदद से बताओ कितने पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं। आप इस नवाचार को अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIII के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने वीडियो पार्सल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बहुत